अजीत वैब टीवी देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। दोस्तों, बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सोहा अली खान जी दे नाल असीं गलबात करन जा रहे हैं। 7 अक्तूबर नूं उन्हां दी नवीं हिंदी फिल्म रिलीज़ होनी है जिहड़ी कि 1984 दे सिख दंगां दे नाल जुड़ी हुई है। इस फिल्म दे विच उस वक्त नूं पंजाब दे धुआंके अतीत की पेशकारी की गई है। 31 अक्तूबर इस फिल्म का नाँ हैगा ते गलबात कर रहे हैं सोहा अली खान जी दे नाल। सोहा जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू, शुक्रिया। सोहा जी, आपने बहुत सी फिल्म में काम किया अभी तक, मगर आपने जो पीरियड फिल्म है कोई, उसमें मेरा ख्याल पहली बार काम किया है। इस 31 अक्टूबर मूवी में काम करके आपको क्या महसूस हुआ? सबसे पहले आई थिंक आपने सही कहा है कि पीरियड फिल्म में मैंने कम काम किया है, लेकिन एक और फिल्म थी खोया खोया चांद जो 1950s में सेट की गई थी। लेकिन ये जो है एक रियल लाइफ स्टोरी है। सबसे पहले मेरा जो किरदार है, ऐसे कोई है जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, तो वो निभाना मतलब एक जिम्मेदारी है। तो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था। एक बहुत ही खूबसूरत रोल है और एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है जैसे हम सब जानते हैं। और काफ़ी हमारी जो जनता है, जो ऑडियंस है, बहुत ही यंग है। 30 साल की उम्र से कम है, तो शायद वो उन्हें मालूम ही नहीं कि क्या हुआ था 84 में और ये दंगे क्या हुए थे, किसके साथ क्या हुआ था। उनको शायद इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये तो 32 साल पहले हो गया, अभी रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक कहानी है छोटे फैमिली की। मैं पहली बार एक सरदारनी का रोल निभा रही हूँ इस फिल्म में। मेरे पति हैं जो वीरदास निभा रहे हैं वो रोल, और 3 बच्चे हैं। तो उन पे क्या बीतती है इंदिरा गांधी के हत्या के 24 घंटे बाद, वो हमने दिखाने की कोशिश की। वेदर दे मेक इट और नॉट, उनका जो स्ट्रगल है सर्वाइव करने का, वो हमने दिखाया है। एंड वी ट्राइड टू कीप इट, एक पॉलिटिकल फिल्म नहीं है जहाँ पे हम किसी को ब्लेम कर रहे हैं। हम आपको बस दिखा रहे हैं कि एक होपफुली थ्रिलिंग फिल्म, एक्शन फिल्म, एज ऑफ द सीट थ्रिलर, जहाँ पे आप बस सोचेंगे कि इस फैमिली के साथ क्या होने वाला है, क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। सुहा जी, किसी भी पीरियड फिल्म को करने के लिए जो एक्ट्रेस होते हैं, एक्टर होते हैं, उनको खास तैयारी करनी पड़ती है। आपने सिख वुमन का रोल इसमें अदा किया है, जो दर्द के साथ बहुत नज़दीक का रिश्ता है उनका, उन पर बहुत कुछ बीतता है, ऐसा बीतता है कि जो आज तक हम याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो तैयारी करने के लिए, अपने किरदार के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन तैयारी कम कर सकती थी मैं, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल रोल है। तो आपको बस एक्शन और कट के बीच में वो जो इमोशन है वो जीना है, वो याद करना है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जो मेरे साथ यू नो टचवुड अभी तक हुआ नहीं है, तो आपको इमेजिन करना है कि अगर मैं इस पोजिशन में होती तो मैं क्या फील करती। तो यही कोशिश थी। बाकी तो जब आप पीरियड फिल्म करते हैं तो उसमें सेट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के बहुत काम होते हैं, और मुझे लगता है कि उन्होंने बेहतरीन काम किया है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि आप 1984 में ही हैं। दिल्ली तो बिल्कुल बदल गया है। तो हमने एक्चुअली ये फिल्म ज़्यादातर आउटडोर्स लुधियाना में शूट किया, और वो एक फ्लेवर दिखाया है दिल्ली का। मेरा जो कॉस्ट्यूम है एक सिंपल सा पटियाला सूट है, पता नहीं वो गोल बाली पहन के और बाल आप लंबी सी चोटी में डाल के एक सरदारनी का वो फ्लेवर आ ही जाता है। तो ज़्यादातर मेहनत आई थिंक उन्होंने की, डायरेक्टर ने, प्रोडक्शन डिज़ाइन ने, लेकिन जो इमोशन जैसे आपने कहा वो मुझे ज़्यादातर, उसमें प्रेपरेशन आप नहीं कर सकते, आपको बस फील करना है। 1984 के साथ जुड़ी हुई जितनी भी फिल्में आज तक शूट की गई हैं उनको सेंसर के काफ़ी पचड़े में पड़ना पड़ा है। इस फिल्म में भी मैंने सुना है कि 9 कट्स हैं, जो 9 कट ने जो वो लगे पहले तो मेरा ख्याल 40 के करीब थे। हाँ जी, तो जो कट्स लगे हैं उसमें से आप ऐसे महसूस करते हो कि फिल्म का कुछ नुकसान हुआ है, फिल्म को ऐसे पेश करना था जब उसमें कट लग गए हैं, तो वो दर्शक को जो वो कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी? नहीं, एक्चुअली ये बहुत, हम सब बहुत ही खुश हैं कि अभी जो सिर्फ 9 कट्स मिले हैं इस फिल्म को, उससे ना तो कहानी में कोई असर हुआ है, ना तो इमोशन में, और सिर्फ कुछ आई थिंक कुछ जो बैड वर्ड्स हैं, कुछ एक दो शॉट्स हैं, सीन भी नहीं, वो हटाए गए हैं, और उससे कोई मतलब बुरी असर नहीं पड़ी है फिल्म। इंदिरा गांधी की मौत के बाद, कत्ल के बाद जो जो कुछ हुआ बीता लोगों पर, हम सभी जानते हैं, आपने इस फिल्म के जरिए उसको पेश किया है। मगर राजनीति की बात जब चलती है तो 1984 के वो जो पीड़ित लोग हैं उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। क्या आपने इस मूवी के जरिए उस इंसाफ की बात भी की है जने?
आई थिंक ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, क्योंकि आप अगर एक हिंदी फिल्म को देखें, ये तो पॉपुलर कल्चर है, तो पॉपुलर कल्चर आपको इंसाफ दिला तो नहीं सकती है, लेकिन आपको याद दिला सकती है एक हादसे की जो बहुत पहले हुआ था, और आपको ये याद दिला सकती है कि जैसे आपने कहा, बहुत सारे लोग हैं जिनको इंसाफ अब तक नहीं मिली है। अभी लोग भी कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, तो शायद उनको इंसाफ नहीं मिलेगी, लेकिन हम सब सोचते हैं कि हम वी कैन मेक अ डिफरेंस थ्रू द पावर ऑफ मीडिया। ये बहुत सेंसिटिव इशू है, मगर जब इस पर राजनीति होती है तो क्या महसूस करते हो आप? आई थिंक कि जैसे आपने कहा, बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और इसका मतलब नहीं कि ये तो इत्तेफाक की बात है कि ये जो कहानी है इसमें मैं एक सरदारनी का रोल निभा रही हूँ, ये सिखों के साथ क्या हुआ उस पर है, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे धब्बे हैं हमारे देश के इतिहास में। विश्व में कोई ऐसी पीरियड फिल्म करने का विचार है या कोई अभी नहीं है आपकी पाइपलाइन में? आई थिंक ये सबसे पहले तो मुझे अभी प्रमोशन शुरू हुआ है, 7 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, लेकिन फिल्म का नाम है 31 अक्टूबर, से सबसे पहले आप कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन रिलीज डेट इज 7th of October, और तो वो मैं अपने पूरे दिल के साथ पहले प्रमोट करना चाहती हूँ, और फिर एक टीवी शो भी कर रही हूँ मैं एक्चुअली, जो अभी वो चल रहा है अभी, जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन होम मेकओवर, तो उसकी भी शूटिंग चल रही है, और फिर और भी फिल्म होंगे। मुझे ऐसे सब्जेक्ट्स पसंद आते हैं, लेकिन मैं आर्टिस्ट हूँ, इसमें मेरे ना तो पैसे जुड़े हैं ना तो मैं प्रोड्यूसर हूँ, वो इसको सपोर्ट करना, इसमें आपके पैसे डालना, इस फिल्म में इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ आई थिंक। दर्शकों को क्या बोलना चाहोगे आप 31 अक्टूबर के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं चाहती हूँ कि आप सब सिनेमा घरों पे आए, टिकट खरीदें। अगर आपको लगता है कि ये एक बहुत ही पुरानी कहानी है और कोई रेलेवेंस नहीं है आज, तो आप गलत होंगे। अगर आपको लगता है कि इस फिल्म को देखकर आप ऑफेंड हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि ये होगा। तो आप आइए, फिल्म देखिए, फिर उसके बाद अपने ओपिनियंस बनाइए, और हम सब किसी ना किसी को जानते हैं जो एक विक्टिम रहा है 84 के दंगों का, तो आई थिंक दैट वी ओ इट टू देम टू सी अ फिल्म लाइक दिस एंड टू रिमाइंड आवरसेल्व्स ऑफ व्हाट हैपेंड। थैंक यू सोहा। थैंक यू। दोस्तों ये सन सोहा अली खान हो रही, जिन्होंने अपनी फिल्म 31 अक्टूबर के बाबत गलबात की है अजीत वैब टीवी के दर्शकों के लिए। खास तौर के उत्ते ये फिल्म 7 अक्टूबर को रिलीज़ होनी है। इस फिल्म के कतलेआम तो बाद 1984 के कतलेआम तो बाद जो कुछ दी साढ़े मनुखता नू जो पंजाबियों संताप हंडाउणा पिया उसकी पेशकारी की गई है। उम्मीद है कि तुहानू इन्हां दे नाल कीती हुई ये मुलाकात पसंद आई होएगी। हुण आ गया दिओ, तुहाडी बहुत बहुत मेहरबानी।